यहाँ 20 साल से जब बच्चा हो जाता है ना, यहाँ के पेरेंट्स यार खुद ही उनको बोलते हैं कि चलो अब तुम 20 साल के हो गए, खुशी मनाते हैं कि चलो आराम से पीते हैं, बोल के रेस्टोरेंट में जाके कहीं आराम से बिंदास होके कहीं पीते हैं हमारे। नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ गणेश जोशी और मैं रहता हूँ जापान में। दोस्तों आज आपको 5 चीज़ें बताता हूँ जापान के बारे में, जो अधिकांशतः हमारे इंडिया में नहीं होती हैं। होती है कहीं कहीं, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी इंडिया में है। दोस्तों पहली चीज़ जो है यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में बताता हूँ। जो यहाँ के रेस्टोरेंट होते हैं, चाहे छोटा सा छोटा भी रेस्टोरेंट होगा, छोटा सा भी, चाहे 10 सीट का किसी का भी ढाबा होगा, एक छोटा सा भी, चाहे किसी एक स्टॉल भी होगी, उसमें दारू ज़रूर मिलती है। अब आप दारू का नाम लेके खुश हो गए होंगे कि यार बढ़िया है, बोल के दारू पीने के लिए मिल जाएगी। यहाँ जब आप लाइसेंस लेते हैं रेस्टोरेंट खोलने का, तो उसमें जो है तो बार बियर ये सो सब इंक्लूड होता है, अलग से कोई भी मत्था पच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती। और वहाँ आराम से आप जो है दारू का लाइसेंस ले सकते हैं, चाहे छोटा सा भी रेस्टोरेंट हो, चाहे बड़ा सा बड़ा कोई रेस्टोरेंट हो, तो आप दारू आराम से ले सकते हैं। नंबर पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है, आपको कोई पत्ता पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास जाओ और बिंदास पियो। नंबर दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ की जो स्मोकिंग है, यहाँ के जो बच्चे हैं, अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप सिगरेट वगैरह नहीं ले सकते, अगर आप 20 साल से कम हैं तो आप दारू वगैरह नहीं ले सकते ना पी सकते हैं। अगर आप कहीं सिगरेट वगैरह लेने जाएंगे, अगर शॉपकीपर को कोई, अगर आप पे संदेह हो गया, कोई शक हो गया कि यार ये छोटा बच्चा लिख रहा, तो आपको पूछ सकता है कि अपना मेरे को आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, अपना कोई, जैसे हमारे आधार कार्ड वगैरह होता है ना, तो वो मांग सकता है आपसे कि भैया मेरे को अपना आधार कार्ड दिखाओ, ये समझ लो आप। तो आप अगर आप छोटे हैं 18 से कम तो सिगरेट नहीं मिलेगी, और 20 से कम तो दारू ना मिलेगी, ना पी सकते हैं, पियोगे तो जेल हो जाएगी, नहीं पी सकते हैं। ठीक, दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ 20 साल से जब बच्चा हो जाता है ना, यहाँ के पेरेंट्स यार खुद ही उनको बोलते हैं कि चलो अब तुम 20 साल के हो गए, खुशी मनाते हैं कि चलो अब आराम से पीते हैं, बोल के रेस्टोरेंट में जाके कहीं आराम से बिंदास होके कहीं पीते हैं। हमारे यहाँ तो यार माँ बाप किसके बोलते हैं, माँ बाप छोड़ो रिश्तेदार भी नहीं बोलते, चाचा ताऊ। तो यहाँ के जब जो है बच्चे 20 साल के हो जाते हैं ना, तो माँ बाप भी खुश हो जाते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, भाई बिंदास इसको पिलाओ खिलाओ, टल्ली बनाओ इसको। तो आपको रेस्टोरेंट में जाएंगे, खुद चाहे लड़का हो या लड़की, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे लड़की भी होगी 20 साल की या लड़का होगा, अपने साथ ले जाएंगे और खुद पिलाएंगे खिलाएंगे, भाई ले अब तो 20 साल का हो गया, तेरे सामने ये रखा हुआ, तुझे अगर पीना है जो पीना है, अगर जो नहीं पीना चाहता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो पीना चाहता है उसको बोलेंगे ले भाई तू पी। हमारे यहाँ तो नहीं होता भाई ऐसे, अगर कहीं होता होगा तो प्लीज़ मेरे को बता देना यार कि हमारे यहाँ भी होता है। इंडिया में तो मुझे नहीं लग रहा कहीं यार ऐसा होता है कि चलो 20 साल का हो गया और चल बेटा तो भी अब साथ में चलते हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। तो ये थी 3 बातें। दोस्तों चौथी बात है, अभी आपने वीडियो देखा होगा, ये जब लोग कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं ना यार, जैसे हमारे ले जाते हैं कुत्ते को घुमाने के लिए, तो उसकी रस्सी पकड़ी और कहीं भी चल, किसी किसी तो रस्सी भी नहीं होती, जहाँ उससे कराना है जो भी कराना है वो कर देता है, कोई वो नहीं है कि इसको साफ़ करना है क्या नहीं करना। यहाँ ये लोग जब साथ में लेके चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा अंकल जी का बैग भी रखा होता है साथ में, उसमें पानी की बोतल रहती है, प्लास्टिक रहता है, ग्लव्स पहने रहते हैं, और जहाँ पे भी वो लैट्रिन करेगा कुत्ता, उसको उठाएंगे, अपने बॉक्स में रखेंगे, अपने थैले में रखेंगे, पानी की बोतल है उसको साफ करेंगे, कुत्ते को भी साफ़ करेंगे और वहाँ ज़मीन को भी साफ़ करेंगे। तो ये चीज़ें आपके हमारे यहाँ तो होती नहीं है, मैंने तो देखी नहीं भैया, हमारे यहाँ भी कुत्ते हैं, मेरे भी है घर में, एक डॉगी है, लेकिन हम तो ऐसे लेके जाते हैं घर में भी। तो अगर आपके यहाँ कहीं होता हो तो प्लीज़ बताना कि हमारे यहाँ होता है, जब मैंने तो देखा नहीं कभी इंडिया में, लेकिन जापान में ये भी होता है, जो हमारे इंडिया से बिल्कुल अलग है, और मैंने यहीं आके देखा और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार यहाँ ऐसे भी होते हैं। तो ये थी नंबर चौथी बात। और दोस्तों जो नंबर पांचवी बात है, ये जो जापानी होते हैं ना, ये यार नहाते नहीं है, नहाते नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है कि नहाते नहीं है, ये सुबह को नहीं नहाते, ये शाम को ही नहाते हैं सारे जापानी जितने भी होंगे। जैसे हमारे लोगों का क्या है, हमको तो सुबह नहाना पड़ता है, फ्रेश होके नहा धो के तब हम अपने ऑफिस जाते हैं, कुछ भी करते हैं, इनका सुबह का कोई पंगा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, ये जब शाम को काम से आएंगे तो शाम को नहा लेंगे, इनके ओफरू में बैठ जाते हैं, ओफरू मतलब एक जैसे टब, वो क्या बोलते हैं उसको, बाथ टब होता है ना,
उसके अंदर बैठ जाएंगे, जितने भी फैमिली मेंबर हैं रात को नहालेंगे, सुबह का कोई लफड़ा नहीं है, कोई लोचा नहीं है, सुबह उठेंगे, ब्रश करना है ब्रश करेंगे, 7 बजे से पहले पहले इनका नाश्ता हो जाता है और उसके बाद फटाफट मुंह हाथ धो के जो भी करना है फटाफट, औरतें तो वही है मेकअप सेपअप जो भी करना है, और फटाफट अपना ऑफिस भाग जाएंगे। सुबह नहाने का कोई भी लफड़ा नहीं है हमारी तरह, कि हमको तो सुबह नहाना जरूरी है भैया, नहाएंगे नहीं तो रात यार नींद आ जाएगी, ऑफिस में जाके भी यार लोग बोले क्या चेहरा लेके आ गया इधर। तो इनका अधिकांश दाढ़ी वाड़ी भी है शाम को ही बना देते हैं, नहाना भी धोना भी सब लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सब रात को ही सब कुछ इनका हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी 5 बातें, अगर आपको अच्छी लगी या कुछ इसमें नया लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून, बी सेफ, थैंक यू वेरी वेरी मच।